रजी, इस पेज पर तो मेरा नाम नहीं है। संध्या जी, आप कब रही मत नहीं पे होगा। आप एक काम कीजिए, दूसरा पन्ना खोलिए ना, आपका नाम जरूर होगा उसमें, मुझे विश्वास है। खोलिए आप जी। सूरज जी, दूसरा पन्ना भी आ गया। संध्या, संध्या राठी, आप पास होगी। ये देखो सूरज जी, आप पास होगी। सूरज जी आप पास होगी। संध्या जी, आप पास हो गए। हमारा सपना सच हो गया संध्या जी, आप परीक्षा में पास हो गए। अब आप बड़ी पुलिस अफसर बन जाएगी। हाँ संध्या जी, आपकी मेहनत, आपका त्याग, आपका बलिदान, सब सबका सब रंग लाया संध्या जी। आप पास हो गए। हाँ संध्या जी, हमारा सपना साकार हो गया। को फोन करके बताता हूँ जी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या हुआ, ये लोग भी नहीं आए, ना कोई फोन आया। बाबू फोन आ गया, लगता है भैया कहीं होगा। जल्दी जा, जल्दी जा। जा। सूरज जी, स्पीकर ऑन कीजिए ना। हेलो। नमस्ते जी। शादी हो या कोई भी त्योहार, जन्मदिन हो या कोई भी, मारी राठी साड़ी सेंटर से साड़ियाँ खरीदी और अपनी खुशियाँ दुगनी कीजिए। पता वही याद है, साड़ी सेंटर हनुमान गली में है। राशी, राशी, मैं बोल रहा हूँ, सूरज। अरे जेठ जी, आप? अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे थे आपके ही फोन का। बड़ी ठंडी आवाज निकली आपकी। आपके तो सारे किए कराए पे पानी सा फिर गया होगा ना। जेठानी जी फेल हो गई है ना, हमारे को तो बड़ा दुख हो रहा है जेठ जी, है ना, है ना। नहीं नहीं मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी, भाभू कहाँ है? भाभू को तो जल्दी बुलाओ। अच्छा आप खुद ही बता देना ऐसी दुख भरी बात। हाँ एक मिनट। छबी जा, जरा देख तो सरी किसके साथ बात कर रही है, अबार तक को नहीं आई। जा बेटा। मैं देख क्या बाबू, बाबा साहब जेठ जी का फोन आया है। सूरज का फोन, लगता है संध्या बिन्नी की परीक्षा का परिणाम आया होगा। चल छवि ले सब।
ले। बेचारी जीजी अब किस मुंह से बताएंगे पापा पापा सो कि फेल हो गए। रुक अभी ने ले दे मारे को। हाँ छोरा बोल। पापू अब बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, अब वो संध्या पास हो गई। अब थारे आशीर्वाद से संध्या बड़ी पुलिस अफसर नहीं बन गई है। बाबू बाबू मैं बहुत खुश हूँ बाबू, मैं बहुत खुश हूँ बाबू। रे बधाई तो थारे को भी है। थारे को भी। अकेले तू खुश रहे, हम सब भी बहुत खुश है छोरा। बहुत बहुत बधाई थारे को। हाँ। पता है तुम लोगों ने संध्या बीनी ने ना पुलिस अफसरनी की परीक्षा पास कर ली है। बाबू मारी जवान तो काली है, काली नहीं सरस्वती माँ बैठी है हमारी जवान पे। देखो ना ताने दानी बोलते बोलते जिठानी जी को वो सचमुच में ताने दानी बन गई। मुबारक हो बाबू, आप तो आप थाने दानी की सासू माँ कहलाएंगी। मीनाक्षी भाभी थाने दानी नहीं आईपीएस ऑफिसर गई है। आईपीएस ऑफिसर अरे बाबा साहब घर में चिंता कर रहे थे, बोला था ना मैंने आपको। सही कह रहा था तू, हमारी बिंदड़ी पास हो गई है। देख सकते हो एक बार फिर हमारी बिंदड़ी ने राठी परिवार का नाम रोशन कर दिया। छोरा बोल बोल। सूरज जी मैं बात करती। बाबू हाँ हाँ अभी नहीं बोल बोल। बाबू मैं बहुत खुश हूँ बाबू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैं सब समझती हूँ बीनी, जब इंसान बहुत खुश हुए ना तो सब देखो नहीं मिले, और आज 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 तारी खुशी का ठिकाना को नहीं है। एक काम करो तुम दोनों ना जल्दी से घर आ जाओ। मैं लोग इंतजार कर रहा हूँ। जी जी बाबू। जल्दी आ जाओ अभी आते हैं। सूरज जी मुझे घर ले चलिए अपने परिवार के पास, ये खुशी मैं सबके साथ बांटना चाहती हूँ। जल्दी से चलिए। हाँ सदा जी हमें फटाफट घर चलना चाहिए, सब लोग आपको बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। हाँ बाबू बाबा साहब एक काम बहुत बढ़िया हो गया, भाभी बनेगी आईपीएस ऑफिसर, मैं बनूंगा आईपीएस ऑफिसर का देवर। बदमाश कटे को संध्या बीनी के माँ बाप भी बहुत खुश होंगे। सब सब माने ठाकुर जी की कृपा है। सूरजी वो हमने तय किया था कि जैसे रिजल्ट आ जाएगा उस दिन हम वो 11 महीने ट्रेनिंग के लिए पुलिस एकेडमी जाने वाली बात बाबू से करेंगे, तो आज तो वो बात। रे मारा राम जी आज सच्ची मैं बहुत खुश हूँ। वो लोग आते ही होंगे, जल्दी जल्दी मीठा बना ली हूँ। हाँ अठीन है ना। अरे वाह, हाँ
ये बात है। बिंदनी की सफलता की खुशी में सास हलवा बनाने निकली। संतोष एक बात कहो के इसमें मीठा डालने की जरूरत ही कोनी। अरे थरे प्यार के छींटे जो है इसमें हाँ मिठास वैसे ही आ जाएगी। संतोष तने संध्या बिंदनी की खुशी में शामिल होता देख मने बहुत खुशी मिल रही है। आपकी अकेली की संध्या बिंदनी ना है, मारी भी है और सास बहू में तो ऊंच नीच होती रहे है। पर साची कहूं आज मैं साचे ही बहुत खुश हूं। ठाकुर जी की कृपा से संध्या बिंदनी का सपना पूरा होने जा रहा है और हमारे सूरज ने जो कहा था ना वो उसने पूरा कर दिया। उसने अपने पति होने का पूरा फर्ज निभाया। अब बारी संध्या बिंदनी की, उसे अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया। मतलब तू कौन से फर्ज की बात कर रही है संतोष? बिंदनी तो पत्नी का हर फर्ज निभाते आ रही है। अरे सूरज का बाबूसा एक बहुत बड़ा फर्ज बाकी है। अब आप ही देखो विक्रम मोहित सबके सब सूरज से छोटे हैं पर उन्हें बाप कहने वाला मिल गया है। अब बखत आ गया है कि संध्या बिंदनी मारे सूरज ने भी गौरव दे खुशी दे उसे। और आप तो जानो ही हो कि मारो सूरज टापरा ने कितनों पसंद करे। आज संध्या बिंदनी आएगी ना तो मैं उससे बात करूंगी। संतोष कैसी बात कर रही है? उसका तो अभी वो डब्बो दो। संतोष उसका तो अभी बिंदनी की बिना चोरी करने की आदत ना गई। एक भी बदाम को नहीं। मैं आऊं बीननी, ये ढोल बाजा सब तेरे लिए है। रे तू पहली लुगाई है हनुमान गली की जो पुलिस अफसर नहीं बनी है। संतोष हमेशा तू नाचे है ना, आज मैं नाचूंगी संध्या बीननी के लिए। अरे बजाओ। आशीर्वाद तो काना जिठानी जी जैसा ही बनना है। आप फूल थारे को भी डलेंगे ऐसे ही। अरे वाह वाह जेठ जी। कंग्रेचुलेशंस भाभी। पहले भाभो की मैं हनुमान गली की बहू पांडे पुलिस ऑफिसर। विमला जल्दी से आरती की थाली दे।
अरे मीठा। सूरज बेटा, तूने अपना पति होने को धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया है। संध्या बिन्नी आज जिस जगह पर पहुंची है ना, तेरी वजह से। भगवान तेरे जिसो बेटो और पति सब न देवे। तू क्या खड़े है, ढोल बजा। संध्या बिरणी ने एक बहू के अपने सारे फर्ज और संस्कार निभाए हैं। वो इतनी समझदार हो गई है कि हर जिम्मेदारियां उठा सके। ये बिल्कुल सही समय है संध्या बिरणी से बात करने का। बिरणी, सबसे पहले ठाकुर जी के आगे माथा टेक ले। अरे आज तो सूरज भैया की दुकान की मिठाइयां गली वालों को बांटने में खत्म हो गई। अरे तो क्या हुआ? संध्या भाभी की मेहनत रंग लाई, और बात सिर्फ हमारे परिवार का नाम होने की नहीं है, भाभी साहब का सपना भी तो सच हुआ है ना। थैंक यू विक्रम भैया, काश मारा भी कोई सपना पूरा। मत लियो। चल बीरनी, सच्चे मन से ठाकुर जी के आगे माथा टेक ले। आज तू जटे तक पहुंची है ना, सब मारे ठाकुर जी की कृपा से। चल जी बाबू। बन गया ना, आओ ना संध्या जी। बाबू देखा, हाथ पकड़ के ले गए, पर इन्हें कैसे पता चला आपने हलवा बनाया है? पकाने की इतनी जल्दी हमारी तरफ देखा भी नहीं। ये देखो, ये देखिए संध्या जी, आपको पता है जब भी घर में कोई सफल होता है ना, तो बाबू उसकी सफलता की खुशी में हलवा बनाते हैं। अरे वाह, फिर तो इस हलवे पे सबसे पहले मेरा हक है। लाइए दीजिए ना सूरज जी। ये लीजिए। बस इतना सा? सूरज जी मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं। भावो देखिए ना, सूरज जी ने कितना सा हलवा दिया, चिड़िया चुगी इतना सा दिया है मुझे हलवा। छोरा, दाल ना, हाँ? रे इसके नाम का ही तो बनाया है मैंने। देसे। देसे बेटा, संध्या जी, ये हलवा भाभा ने बनाया देसी घी में। आप ज्यादा खाएंगे ना तो मोटी हो जाएंगी। मोटी तो हो जाने दीजिए, मुझे परवाह नहीं है। ये हलवा भाभो ने अपने हाथों से खास मेरे लिए बनाया, इसमें भाभो का प्यार ही नहीं आशीर्वाद भी है। मैं तो सबसे ज्यादा खाऊंगी, आप दीजिए मुझे। बचपन ना गया संध्या भी, कब तक एक बार गोद में टापर आ जावे तो अपने आप उम्र की समझदारी आ जावेगी। बाती हम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।